हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। से कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया। और यहाँ बात करने वाले आज दी ऑल न्यू TVS अपकमिंग व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, जो कि स्कूटी है। सो इससे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो TVS ने अभी नया अपना एक टीज़र लॉन्च किया है जस्ट रिसेंटली। तो जिसमें क्यों दिखा रहे हैं 23rd of August को ये स्कूटर लॉन्च होने वाला है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो हिंट जो उन्होंने दी है इमेज में, ऐसा लग रहा है कोई स्पोर्टी ई स्कूटर आने वाला है। ऑटो एक्सपो में 2018 ऑटो एक्सपो में उन्होंने एक अपना स्कूटर लॉन्च किया था, जस्ट लॉन्च नहीं दिखाया था, जिसमें कि उस स्कूटर नाम था TVS क्रियोन। तो कुछ उसी के हिसाब से लग रहा है ये स्कूटर जो कि मार्केट में आने वाला है। सो देखा जाए तो इट माइट बी कॉल ई एंड टॉर्क, लाइक इलेक्ट्रिक एंड टॉर्क स्कूटर स्कूटी। तो इसकी कुछ डिटेल्स बाहर आई है जिसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा गाइस। सो क्रियोन अभी रिसेंटली ऑटो एक्सपो में, जैसे कहना बताया, अब लॉन्च होने वाली थी। फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा एक LED लाइट मिल जाती है जो कि हेडलाइट का काम करती है इसमें, एंड काफ़ी स्पोर्टी दी गई है आगे से। और साइड में आपको एक जो क्रियोन ब्रांड है, मॉडल नेम है उसकी, आपको ब्रांडिंग दिखेगी क्रियोन 07 समथिंग। एंड यहीं पर ही आपको जो रेयर लुक मिलता है, कंप्लीट स्पोर्टी मिलता है, सिंगल सीट। आई गेस ये इस पर एक ही आदमी चला के बैठ सकता है, इसमें एक ही आदमी बैठ सकता है। ये आई थिंक डुअल सीट्स नहीं है, सो एक ही आदमी के लिए है। सेंटर में आप देखेंगे तो सेंटर में आपको बैटरी कंपार्टमेंट दिखता है, एंड एग्जॉस्ट की तरफ आप ध्यान देते हो तो कंप्लीट जैसे एंटॉक एग्जॉस्ट है वैसे एग्जॉस्ट टाइप आपको देखने को दिखता है। इधर फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है काफ़ी स्पोर्टी बनाया गया है, को अलाविज देखने को मिल जाते हैं। एंड टायर के साथ आपको फ्रंट डिस्क मिलती है, रियर डिस्क भी आपको देखने को मिलती है विद सिंगल चैनल ABS। यहाँ पर आपको जो TFT कलर स्क्रीन मिलती है उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 3 राइडिंग मोड्स, क्लाउड कनेक्टिविटी, ABS ब्रेकिंग सिस्टम दिख जाता है उसमें, एंड पार्क असिस्ट फीचर, और एंटी थेफ्ट, GPS नेविगेशन, एंड जियो फेंसिंग सिस्टम ऑल्सो। अच्छा, बात करते हैं बैटरी बैकअप की, एंड कितने किलोमीटर चल जाती है पर चार्ज के ऊपर। सो बैटरी का जो इसमें लिथियम आयन की बैटरी है उसकी जो कैपेसिटी है डेट इज़ 12 kW, एंड क्लेम करती है कंपनी 0 to 60 इन 5.1 seconds। सो रेंज ये दे देती है 80 km पर चार्ज, और ये 80% चार्ज हो जाती है इन सिंगल आवर। एक घंटे के आप इसके अंदर 80% चार्ज हो जाती है, तो अप्रॉक्स आप लगा सकते हो कि ये अराउंड 50 km प्लस आराम से चल सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च कंपनी के लिए 23rd of August में होने वाला है, डैट विल बी इन दुबई गाइस। और इसका एस्टिमेटेड प्राइस जो कि रहने वाला है डैट विल बी अराउंड 1 lakh to 1 lakh 20,000। सो इसके बीच में कहीं रहेगा, तो देखते हैं गाइस कैसा रहता है। ऑल दो इलेक्ट्रिक में धमाकेदार रहने वाली है, लाइक इसके लुक्स, इसके स्पेक्स बहुत ही बेहतरीन दिख रहे अभी से। सो और देखते हैं माइक गाड़ी में, और देखते हैं कौन से कॉम्पिटिशन में क्या क्या आने वाला है इसके कॉम्पिटिशन में। सो कैसी लगी आपको गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।